हेलो एवरीवन। तो हम अपना रेडिएशन टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेडिएशन में पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, मतलब एब्सोल्यूट 0 केल्विन से टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, तो वो बॉडी हमारी रेडिएट करेगी। ठीक है, मतलब वो बॉडी हमारी रेडिएशन एनर्जी को एमिट करेगी। ठीक है, तो अगर मैं रेडिएशन को बोलूँ तो रेडिएशन इज़ दी एनर्जी एमिटेड, बाय अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, गिवन टेम्परेचर टी, और कंडीशन क्या है कि हमारा टेम्परेचर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 केल्विन, मतलब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ठीक है, अगर मैं इरेडिएशन की बात करूँ, इरेडिएशन को इसको हम जी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है रेडिएशन एनर्जी फॉलिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, ये रेडिएशन को बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इट इज द टोटल रेडिएशन फॉलिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो इस रेडिएशन का मतलब होता है टोटल रेडिएशन फॉलिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, वो रेडिएशन का उल्टा होता है इस रेडिएशन, मतलब अगर हमारी बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, तो वो जो रेडिएशन निकाल रही है उसको हम बोलेंगे रेडिएशन एनर्जी, और अगर उसमें कोई रेडिएशन फॉल हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इर रेडिएशन। ठीक है, नाउ अब हम तीन टर्म डिफाइन करेंगे, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा से नोट करते हैं, रिफ्लेक्टिविटी रो से और ट्रांसमिसिविटी टाउ से। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर इर रेडिएशन हो रहा है जी। ठीक है, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट का मतलब उसके आर पार हो जाएगा। ठीक है, रेडिएशन जो फॉल हो रही है, इर रेडिएंस, वो उसके पास थ्रू हो जाएगी, उसके आर पार निकल जाएगी। ठीक है, तो जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, वो कितना होता है रो इंटू में जी। ठीक है, जो पार्ट एब्जॉर्ब होता है वो होता है हमारा अल्फा इंटू में जी, और जो पार्ट हमारा ट्रांसमिट होता है उसको हम लिखेंगे टाउ इंटू में जी। ठीक है, और देयरफॉर हमारा जो जी होता है इज इक्वल टू अल्फा जी प्लस रो जी प्लस टाउ इंटू में जी। ठीक है, तो देखो जी कॉमन आ जाएगा, तो जी कॉमन आ गया अल्फा रो एंड टाउ। ठीक है, तो ये और कट गए, तो देयरफॉर एब्जॉर्प्टिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिसिविटी, इन तीनों का सम 1 के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन तीनों को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी। और एक चीज़ और, हमारा जो एब्जॉर्प्टिविटी होती है वो 0-1 के बीच में होगा, रिफ्लेक्टिविटी भी हमारा 0-1 के बीच में होगा, और ट्रांसमिसिबिलिटी भी हमारा 0-1 के बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन energy emitted by body। ठीक है, अब हम direction की बात करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक body है जिसका temperature T है। ठीक है, अगर इसका temperature T है जो 0 केल्विन के बराबर नहीं है, तो क्या करेगा ये body, emit करेगा radiation energy। ठीक है, तो मान लो मैंने एक छोटा सा point ले लिया और मैंने उसको बोल दिया unit area।
यूनिट एरिया, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि इस यूनिट एरिया से हमारा डायरेक्शन क्या होगी रेडिएशन की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तीन एक्सेस बनाता हूँ, एक्स एक्सेस, इसको मैं बोल देता हूँ वाई एक्सेस, और इसको मैं बोल देता हूँ जेड एक्सेस, ठीक है। और जो ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन में लाया करता है, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात करूँ, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में ये लगभग लगभग हमारा सर्कल की तरह होता है, मतलब जो हमारी रेडिएशन की एनर्जी होती है वो कुछ एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर फॉर्म की होती है, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा वही पॉइंट है, ठीक है, ये वही वाला पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो एक्स वाई प्लेन में होगा वो एनर्जी हमारी क्या होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होगी। ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट सर्कल हो, क्योंकि एनर्जी की डायरेक्शन, सॉरी एनर्जी की जो इंटेंसिटी है वो हर जगह ज़रूरी नहीं सेम होना, अलग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं जेड एक्सिस जोड़ दूंगा तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हमारा कुछ ऑलमोस्ट हेमिस्फेरिकल शेप बना देगा, ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर मैं जेड एक्सिस जोड़ दूंगा तो ये कुछ हेमिस्फेरिकल शेप बना देगा, ठीक है, परफेक्ट नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हेमिस्फेरिकल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रेडिएशन एनर्जी होती है वो किसी पॉइंट से, ठीक है, किसी यूनिट एरिया से हेमिस्फेरिकल शेप में निकलती है, ठीक है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अब देखो, ये जो मैंने हेमिस्फेयर बनाया है यहाँ पर, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। बट हमें एज एन इंजीनियर इसको क्या करना पड़ता है, इसको यूनिफॉर्म शेप में ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या बोलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो शेप है ये परफेक्टली हेमिस्फेरिकल है, मतलब अगर ये कुछ ऐसे शेप का होता है, ठीक है, मतलब अगर ये वही पॉइंट है जो हमने ऊपर लिया था कंसिडर यूनिट एरिया, तो अब की बार ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट हेमिस्फीयर। तो ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी, ठीक है। वो हेमिस्फेरिकल शेप में कुछ एनर्जी को एमिट करता है फ्रॉम अ यूनिट एरिया, ठीक है। ये वाला हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो गया और ये वाला हमारा हो गया यूनिफॉर्म, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म होती है उसको हम एक नाम और से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड एमिटर, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूज एमिटर, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ बॉडी। हमने भी लिखा कि डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप की हमारे पास बॉडी होती है। देखो इंजीनियरिंग में हमेशा दो टाइप की बॉडीज होती हैं, एक को हम आइडियल मानते हैं और एक एक्चुअल होती है ना। तो एक होगी रियल बॉडी और एक होती है हमारी आइडियल बॉडी, ठीक है। रेडिएशन के टर्म पे हम आइडियल बॉडी नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो हमने दो टाइप की बॉडीज देखी, एक रियल बॉडी और एक ब्लैक बॉडी। अब हम इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या होते क्या हैं दोनों, ठीक है। तो मैं साइड ब्लैक बॉडी लिख रहा हूँ और इस साइड में लिख रहा हूँ रियल बॉडी। नाउ ब्लैक बॉडी की बात करें तो दे आर परफेक्ट एमिटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है। अब देखो परफेक्ट एमिटर का मतलब क्या हुआ और परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय परफेक्ट एमिटर। परफेक्ट एमिटर का मतलब होता है, देखो जो हमारी बॉडी होती है वो कुछ एनर्जी को रेडिएट करेगी, ठीक है। तो परफेक्ट एमिटर उसको बोलते हैं विच एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। परफेक्ट एमिटर आर दोज एमिटर्स विच एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ
रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। तो हमारे जो ब्लैक बॉडी होती है जिसको हम आइडियल बॉडी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट एमिटर, मतलब इट एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। जैसे कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स में हमारा कार्नोट इंजन होता है ना, तो कार्नोट इंजन को हम क्या बोलते हैं, इसकी क्या है मैक्सिमम एफिशिएंसी, है ना। तो वैसे ही हमारा ब्लैक बॉडी होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट एमिटर, ठीक है, विट एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो परफेक्ट एमिटर का मतलब हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है। परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा होती है ना, तो परफेक्ट एब्जॉर्बर वो होते हैं जिनकी अल्फा एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो अगर उसकी एब्जॉर्प्टिविटी वन है तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिबिलिटी कितने के बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी आर परफेक्ट एमिटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर। अगर हम रियल बॉडी की बात करें तो रियल बॉडी आर नीदर परफेक्ट एमिटर नॉर परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है। तो लेता हूँ नॉट ए परफेक्ट एमिटर नॉट अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है। तो नॉट अ परफेक्ट एमिटर का मतलब हो गया कि जो ये रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है वो मैक्सिमम नहीं है, है ना। और नॉट अ परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एब्जॉर्प्टिविटी है इज़ नॉट इक्वल टू वन, ठीक है, एब्जॉर्प्टिविटी वन के बराबर नहीं है, एंड हेंस जो रिफ्लेक्टिविटी है एंड ट्रांसमिसिबिलिटी ये दोनों भी क्या कर रही है, प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ पहला पॉइंट तो हमारा परफेक्ट एमिटर और परफेक्ट एब्जॉर्बर के बारे में हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, जो हमारा ब्लैक बॉडी होती है इट एमिट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्लैक बॉडी होता है वो क्या करती है, एमिट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो यूनिफॉर्मली क्या करे, एमिट करे एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, उसका कुछ हेमिस्फेरिकल होता है शेप, है ना, परफेक्ट हेमिस्फेरिकल होता है, है ना। तो ब्लैक बॉडी एमिट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए हम ब्लैक बॉडी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड बॉडी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड एमिटर, एमिटर बोल लो या फिर डिफ्यूज्ड बॉडी बोल दो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें रियल बॉडी की, तो रियल बॉडी का हमारा नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी रेडिएशन एनर्जी नॉन यूनिफॉर्मली रेडिएशन एनर्जी इज एमिटेड, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, रियल बॉडीज़ में हमारा जो एनर्जी एमिट होती है वो क्या होता है, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, मतलब उसका शेप इज नॉट ये परफेक्ट हेमिस्फीयर, है ना। उसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है वो क्या है, डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो हेंस इट इज़ नॉट ये परफेक्ट एमिटर, सॉरी इट एमिट्स नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है एक ब्लैक बॉडी में और रियल बॉडी में, ठीक है। इसमें हम फर्दर और ऐड ऑन करेंगे डिफरेंसेस जैसे जैसे हमारा लेक्चर कंटिन्यू होगा, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं मोनोक्रोमैटिक हेमिस्फेरिकल एमएसएफ पावर और टोटल हेमिस्फेरिकल एमएसएफ पावर के बीच में क्या हमारे डिफरेंसेस होते हैं और ये इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसे लिख रहा हूँ मोनोक्रोमैटिक हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर, ठीक है, और इस साइड वो हमारा टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों चीज़ें होती क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर टी है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा बॉडी आर टेम्परेचर टी एमिट्स रेडिएशन
एट वेवलेंथ लैम्डा, एट अ गिवन वेवलेंथ या फिर एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मोनोक्रोमैटिक एमिसिव हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर, ठीक है। इसको हम डेफिनेशन, इसको हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक बॉडी ली जिसका टेम्परेचर टी था, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सिंस इसका टेम्परेचर टी है तो ये क्या करेगा, रेडिएशन एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। और जो वो रेडिएशन एनर्जी को एमिट कर रहा है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या लैम्डा है, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा रेडिएशन एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि थर्मल रेडिएशन 0.1 से लेकर 100 के बीच में लाया करता है, ठीक है। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो एक पर्टिकुलर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ये 100 होगी, ये 90 होगी, नहीं। अगर ये एक 100 है तो सारी की सारी जो इसमें जितनी भी रेडिएशन एमिट हो रही है वो सारी 100 माइक्रोमीटर की है, ठीक है। सो मैं बोलूँगा रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, फॉर अ गिवन वेवलेंथ या फॉर अ पार्टिकुलर वेवलेंथ बोल दो, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ पार्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। सो ये क्या हमारा डेफिनेशन है किसकी, मोनोक्रोमैटिक हेमिसिव पावर, हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर की, ठीक है। कहता क्या है, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ मतलब अगर ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इसका यूनिट एरिया ले लिया मैंने, ये मान लो यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसमें से जो हमारी रेडिएशन एनर्जी निकल रही है, ठीक है, पहली बात वो हेमिस्फेरिकल शेप में होगी, है ना। तो जो इसमें से रेडिएशन एनर्जी निकल रही है पर यूनिट टाइम, तो रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, है ना, पर यूनिट टाइम, टाइम मतलब सेकेंड्स, ठीक है। पर यूनिट एरिया जो हमने ये कंसिडर करा, दिस इज पर यूनिट एरिया, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो इसमें से जो रेडिएशन एनर्जी निकल रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी है 0.1 से लेकर 100 तक, नहीं, वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो इसकी जो यूनिट होती है हमारी वो निकल के आती है वॉट पर मीटर स्क्वायर माइक्रोमीटर, ठीक है, ये क्या हमारी यूनिट है, ठीक है। तो ये था हमारा मोनोक्रोमैटिक हेमिस्फेरिकल हेमिसिव पावर के बारे में, ठीक है। नाउ अब हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक ब्लैक बॉडी पढ़ा था और एक हमने रियल बॉडी पढ़ा था, ठीक है। तो अगर मैं ब्लैक बॉडी के लिए लिखूँ तो इसको लिखता हूँ मैं ई, इसको सिंबल ई से लिखते हैं, ई लैम्डा, ठीक है, ई बी लैम्डा। ई क्या हो गया, ये हो गया हमारा एमिसिव पावर, बी का मतलब हो गया फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है, ये हो गया हमारा एमिसिव पावर, बी फॉर ब्लैक बॉडी एंड लैम्डा इज फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक, लैम्डा का मतलब हो गया मोनोक्रोमैटिक, बी का मतलब होता है ब्लैक बॉडी और ये कैपिटल ई का मतलब हो गया एमिसिव पावर, ठीक है। तो अगर मैं नॉन ब्लैक बॉडी के लिए लिखूँ तो ये होता है हमारा ई लैम्डा, ठीक है, एमिसिव पावर, और ये हो गया फॉर, क्या हो गया हमारा मोनोक्रोमैटिक का मतलब। तो दिस इज़ फॉर रियल बॉडी, सिंबल लिखने का तरीका है, ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है। नाउ जो ये हमारा ई लैम्डा होते हैं या फिर ई बी लैम्डा कुछ भी हो सकता है, ये क्या होते हैं हमारे फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज टेम्परेचर, ठीक है। अभी इसका मतलब समझ में नहीं आएगा लेकिन जब हम लेटर ऑन इनका डायग्राम देखेंगे
अपना ग्राफ देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तब इसका मीनिंग थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए जो हमारा मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर होती है या फिर मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर फॉर अ ब्लैक बॉडी, वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम फिर ऐसे लिखते हैं ई लैम्डा लैम्डा कॉमा टी, और इसको लिखते हैं ई बी कॉमा लैम्डा लैम्डा कॉमा टी। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर, ठीक है, फॉर अ रियल बॉडी, और इसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर फॉर अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन इसको लिखते कैसे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखने का तरीका। ठीक है, सो ये होता है हमारा मोनोक्रोमैटिक हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर। हेमिस्फेरिकल क्यों, क्योंकि बिकॉज जो रेडिएशन एनर्जी निकल रही है वो हेमिस्फेरिकल शेप में होती है। ठीक है, नाउ इधर हमारा एक प्लैंक्स लॉ आता है। ठीक है, देखो प्लैंक्स लॉ, देखो जो हमारा प्लैंक था उसने क्या करा था, जो हमारा ई बी लैम्डा है मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, इसका इसने फॉर्मूला दे दिया था हमको, और उसको हम बोलते हैं प्लैंक्स लॉ। ये कितने के बराबर था, सी वन अपॉन में ए की पावर सी टू डिवाइड बाय लैम्डा टी माइनस वन। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला, ये हमको प्लैंक ने दिया था और इसने कहा था कि है जो मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज फॉर मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू सी वन अपॉन में लैम्डा टू द पावर फाइव, फिर मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर सी टू सी सी टू बाय लैम्डा टी माइनस वन। ठीक है, तो इससे साफ दिख रहा है कि हमारा ई बी लैम्डा जो है मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स लॉ। याद रखना प्लैंक्स लॉ किसके लिए, फॉर मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, नॉन ब्लैक बॉडी नहीं है, फॉर अ ब्लैक बॉडी जिसमें सी वन एंड सी टू हमारे के कॉन्स्टेंट है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला याद नहीं करना, बस ये फॉर्मूला इसलिए क्योंकि फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, ना अब हम बात करते हैं टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर के बारे में। ठीक है, हमने क्या करा, सेम बॉडी ले लिया, बॉडी एट टेम्परेचर टी एट टेम्परेचर टी एमिट्स रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब की बार हम क्या बोल रहे हैं, जो ये बॉडी है इसका टेम्परेचर टी है और इसमें से जो रेडिएशन की एनर्जी निकल रही है उसकी वेवलेंथ 0.1 और 100 के बीच में लाई करती है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ये बॉडी है हमारी तो इस पॉइंट से, इसको मैं यूनिट एरिया बोलता हूँ, इस यूनिट एरिया से जो हमारा हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन में, हेमिस्फेरिकल डायरेक्शन में जो रेडिएशन एनर्जी निकल रही है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कोई कांस्टेंट नहीं है, उसकी वेवलेंथ 0.1 भी हो सकती है से लेकर उसकी वेवलेंथ 100 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, इन दोनों के बीच में लाया करती है। ठीक है, नाउ अगर मैं उसको डिफाइन करूं, इसको मैं डिफाइन करूंगा रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर लिख लो, एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब की बार जो रेडिएशन एनर्जी निकल रही है उसकी वेवलेंथ हमारी कॉन्स्टेंट नहीं है, फॉर नॉट इट इज नॉट फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, इट इज फॉर अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट हो जाती है हमारी, देखो रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी यूनिट होती है जूल। ठीक है, पर यूनिट टाइम सेकंड्स। ठीक है, पर यूनिट एरिया तो 1/मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट होगी हमारी, और किस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिखते हैं ई। ठीक है, इसको हम ई से लिखते हैं। अब की बार इसमें हम लैम्डा कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज ये फॉर मोनोक्रोमैटिक नहीं है, तो ये मैं बोलूँगा फॉर रियल बॉडी, रियल बॉडी। ठीक है, और ब्लैक बॉडी के लिए हम ई बी लिखेंगे। ठीक है, फॉर ब्लैक
बॉडी, ठीक है। याद रखना इस बार हमने ऐसे करके लिखा ई बी लैम्डा या ई लैम्डा नहीं लिखा, ठीक है। लैम्डा का मतलब होता है फॉर मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। अब की बार हम फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम फॉर अ रेंज ऑफ वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा ई होता है इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, सॉरी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये हमारा वेवलेंथ का फंक्शन नहीं होता। और जो हमारा ई बी होता है ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ फंक्शन ऑफ, इधर टेम्परेचर है और इधर क्या है, इधर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम इसका डायग्राम के बारे में देखेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन होगा हमको, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हमारा जो एम एस ए पावर होती है, कौन सी टोटल एम एस ए पावर होती है, वो हमारी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है, वो वेवलेंथ का फंक्शन नहीं होता। बट हम अगर हम मोनोक्रोमेटिक एम एस ए पावर की बात करें तो मोनोक्रोमेटिक में हमारा वेवलेंथ का टर्म आता है, तो वेवलेंथ एज वेल एज टेम्परेचर दोनों का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा वो यूनिट एरिया है, ठीक है, इस यूनिट एरिया में नीचे की तरफ हमारा सर्कुलर फॉर्म होगा और ऐसे हमारा हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस करा इसकी वेवलेंथ 0.1 से लेकर 100 के बीच में लाई जा सकती है माइक्रोमीटर, ठीक है। तो मान लो ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 भी है और लैम्डा 3 भी है, ऐसा, ठीक है, बहुत सारी हैं। तो लैम्डा 1 में हमारा एनर्जी क्या होगी, ई बी लैम्डा 1, सॉरी ई लैम्डा 1, इसकी एनर्जी कितनी होगी ई लैम्डा 2 और इसकी एनर्जी होगी ई लैम्डा 3, ठीक है। तो हमारा जो ये होता है एम एस एफ पावर होती है, टोटल हेमिस्फेरिकल एम एस एफ पावर, इट इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल मोनोक्रोमेटिक एम एस एफ पावर, ठीक है। और ब्लैक बॉडी की भी ऐसी होती है, ई बी कॉमा लैम्डा 1 प्लस ई बी लैम्डा 2 प्लस ई बी लैम्डा 3, ठीक है, ऐसा चलता रहता है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूँ तो हम इसको इंटीग्रेटिव फॉर्म में मिल सकता है कि हमारा ई एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनाइट ई लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। और ई फॉर अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट ई लैम्डा, सॉरी ई बी लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिव फॉर्म होता है क्योंकि इसका सम होता है, सम ओवर ऑल ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। नाउ देखो प्लैंक्स ने हमको ये वाली वैल्यू दे दी थी, है ना, ये वैल्यू उसके बराबर थी। तो इस वैल्यू का यूज़ करके स्टीफन बोल्ट्जमैन ने अपना खुद का लॉ निकाला, उसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। अब ये लॉ क्या बोलता है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने प्लैंक्स लॉ में, प्लैंक्स ने क्या निकाला था, मोनोक्रोमेटिक एम एस ए पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया, इस यहाँ इसकी वैल्यू पुट करी और इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या निकाला, एम एस ए पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें से ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये बराबर होता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ठीक है। और ये टेम्परेचर है इसकी होगी हमारी केल्विन टू द पावर 4, ठीक है। तो केल्विन हमारी इसकी टेम्परेचर की यूनिट होगी, ठीक है। तो ये हमको फार्मूला स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया था सिग्मा टी टू द पावर 4, और इसने ये कहा था कि जो हमारा एम एस एफ पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी होती है, एम एस एफ पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब उसकी यूनिट केल्विन में, ठीक है। तो ये हमारा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं करा था, इन्होंने प्लैंक्स ने जो हमारा मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला दिया था उसने उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इस फॉर्मूले में इन्होंने पुट करा और इस फॉर्मूले में इसे उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया और इसको उन्होंने बोला स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, कितना सिंपल है। नाउ इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो फॉर्मूला है किसके लिए, फॉर अ एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन ने हमारा ब्लैक बॉडी के लिए एम एस एफ पावर दिया था, ठीक है, सॉरी फॉर्मूला दिया था। और प्लैंक्स ने हमारा फॉर्मूला दिया था फॉर मोनोक्रोमेटिक एम एस एफ पावर,
ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। और स्टीफन बोल्ट्ज़मैन देता है MSA पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। याद रखना ये MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं, MCQ में पूछ लेता है कि स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ ने क्या दिया था, मोनोक्रोमैटिक MSA पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, या फिर MSA पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, या फिर मोनोक्रोमैटिक MSA पावर ऑफ रियल बॉडी, है ना, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन देख के चूज करना। और ये था MSA पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। सो यहाँ तक अभी तक हमने, हमको समझ में आया कि जो मोनोक्रोमैटिक MSA पावर और टोटल हेमिस्फेरिकल MSA पावर के बीच में हमारा डिफरेंसेस क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो एक तरह का उसका इंटीग्रेटिव फॉर्मूला भी निकल के आता है, ठीक है। और प्लैंक्स लॉ हमारा कहाँ होता है और हमारा स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ कहाँ होता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मोनोक्रोमैटिक हेमिस्फेरिकल MSA पावर एंड टोटल हेमिस्फेरिकल MSA पावर, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसको ग्राफ से देखेंगे तो क्या समझ में आता है, ठीक है। दिस इज वेवलेंथ और दिस इज हमारा मोनोक्रोमैटिक MSA पावर, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ है इन दोनों के बीच में वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी, तो थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी और रियल बॉडी का कुछ ही ऐसा होता है, बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, और दोनों के दोनों ग्राफ हमारे एसिम्प्टोटिक होते हैं। एसिम्प्टोटिक का मतलब वो चलते रहते हैं, टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। इसके आगे ये एसिम्प्टोटिक हो जाते हैं। एसिम्प्टोटिक का मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब ये लैम्डा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। और ये हमारा जीरो हो गया इधर, ये हमारा फॉर रियल बॉडी, ठीक है। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि जो हमारा मोनोक्रोमैटिक MSA पावर ऑफ अ नॉन ब्लैक बॉडी एंड फॉर अ ब्लैक बॉडी, ये हमारा फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर कैसे होता है, ठीक है। तो हमें ऊपर, हमने अभी अपना ग्राफ देखा, तो उससे हमको ये पता चला कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस वेवलेंथ है और ये अगर हमारा मोनोक्रोमैटिक ई लैम्डा है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी के लिए कुछ ऐसे ग्राफ था, है ना। तो ये हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं इसको बोलूँ ये हमारा फॉर वेवलेंथ लैम्डा 1, दिस इज़ फॉर लैम्डा 2, ठीक है। सिमिलरली दिस इज़ फॉर लैम्डा 3, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, दिस इज़ ई बी लैम्डा 3, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई बी कॉमन लैम्डा को, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक MSA पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, इसका हर एक पॉइंट, ठीक है, जैसे ही मैं चेंज हो रहा हूँ वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, ई बी लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि लैम्डा के साथ इसका फंक्शन समझ में आ रहा है। अब टेम्परेचर के साथ देखते हैं इसका फंक्शन कैसे होता है, एक बार दोबारा देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ई बी लैम्डा 2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा ई बी लैम्डा 1, ठीक है। तो वेवलेंथ के साथ हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ ये कैसे वेरी करता है, हमने ब्लैक बॉडी लिए, ठीक है। ये एसिम्प्टोटिक है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है ना। मान लो अब की बार टेम्परेचर टी है इसका, तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, एक सेकंड रुको, ठीक है। जैसे ही मान लो मैंने टेम्परेचर पहले T1 था, अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ करके T2 कर दिया है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा T2, ठीक है। इस तरफ के डायरेक्शन में मैं अपना टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब T3 की बात करते हैं, तो T3 में हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा ग्राफ किसका था, ई बी लैम्डा का था। तो अब ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरा ई बी लैम्डा भी चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब हमारा जो मोनोक्रोमैटिक MSA पावर ऑफ ब्लैक बॉडी होता है वो वेवलेंथ और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन हमने देख लिया है ना। ये हमारा ब्लैक बॉडी के लिए था, रियल बॉडी के लिए भी बिल्कुल सेम है, बस उसका थोड़ा डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रियल बॉडी के लिए ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो जाएगा, दिस इज़ फॉर रियल बॉडी, ठीक है। बात हुई है ब्लैक बॉडी के लिए लिखो या रियल बॉडी के लिए लिखो, अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों के दोनों हमारा ये तो फंक्शन ऑफ
टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एमिसिव पावर होती है फॉर अ ब्लैक बॉडी एंड नॉन ब्लैक बॉडी, वो कैसा हमारा टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, देखो ब्लैक बॉडी का जैसे हमने फॉर्मूला देख लिया सिग्मा टी टू द पावर 4 है ना, तो हमें पहली बात लिखा कि ये टेम्परेचर का फंक्शन है, बल्कि टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर टू द पावर 4 का फंक्शन है ना। और हमने ई बी लैम्डा का फॉर्मूला देखा था जो हमको प्लैंक्स ने दिया था है ना, प्लैंक्स ने क्या दिया था, ये रहा वो फॉर्मूला। तो इधर भी हमने देखा था ये था फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसके अंदर का जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया हमारा टोटल एमिसिव पावर ही तो होगी। जब ये ग्राफ हमारा मोनोक्रोमेटिक एमिसिव का है फॉर अ ब्लैक बॉडी, तो इसका अंदर का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये क्या होगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। क्यों, क्योंकि क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी, ये हमारा जीरो हो गया और ये हमारा इन्फिनिटी टूवर्ड्स इन्फिनिटी है ना। तो ये क्या होता है ई बी लैम्डा डी लैम्डा, ये तो फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो अगर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप लूँ और मैं उसको बोलूँ डी लैम्डा, ठीक है, तो इस स्ट्रिप का अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ ऑल ओवर दी वेवलेंथ जीरो टू इन्फिनिट तक, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। ठीक है, इस केस में हमने ब्लैक बॉडी दी है तो उसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, सो हमने देख लिया कि हमारा जो एमिसिव पावर होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर होती है वो वेवलेंथ एंड टेम्परेचर दोनों का फंक्शन होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।